गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिविजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 9 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिविजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सो राइट आंसर होगा एम्यूल सर्पेंटियर और जेनिफर ए ड्यूडेना। सो इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार जो जीन होते हैं, जीन के अंदर एडिटिंग के लिए ये पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया? सो राइट आंसर होगा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी के द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के पहले संस्करण के परिणाम जारी किए गए। SBI के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खारा जी का चयन किया गया। भारत के सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम परम सिद्धि रखा गया, जिसकी स्पीड 210 पेटाफ्लॉप्स है। फिर बात करते हैं लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ BS येदुरप्पा जी के द्वारा किया गया, जो कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड कॉटन डे या विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। अभी हाल ही में नजीब तरकाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से रोजर पेनरोज, रिहान गेंजेल और एंड्रिया गेज को सम्मानित किया गया है। रोजर पेनरोज को ये जो प्राइज से सम्मानित किया जाएगा, इनको बेसिकली उनकी जो रिलेटिविटी थ्योरी है ब्लैक होल से रिलेटेड, उसके लिए दिया जाएगा। और रियान हार्ड और गेंजेल और एंड्रिया गेज को ये पुरस्कार जो ब्लैक होल है उसके अंदर सेंटर मासिव एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उसकी डिस्कवरी के लिए प्राइज दिया जाएगा। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में पुडुचेरी जो एयरपोर्ट है, उसको 100% सोलर पावर से संचालित होने वाला AI का पहला एयरपोर्ट बना है। फिर बात करते हैं 5 दिवसीय राइज ग्लोबल AI सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। रतन टाटा जी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। भारतीय वन्य जीव सप्ताह जो मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर को मनाया गया है। फिर बात करते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया गया। बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन मनीष सिसोदिया जी के द्वारा किया गया। खाली दुर्शानी नाम से मिर्च है, जिसको अभी GI टैग मिला है और वो सिक्किम से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी हाल ही में मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से जे एल्टर को, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं फोर्ब्स की न्यू लिस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाली पहली महिला अभिनेता जो है सोफिया वेगारा है, जो कि अमेरिका की है। फिर बात करते हैं विष्णु शिवराज पांडियन, जिसने अभी हाल ही में इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती। DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया सौर्य मिसाइल का। फिर बात करते हैं डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक पद्मा पानी बोरा जी के द्वारा लिखी गई। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया गया। मिष्ठी मुखर्जी जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनका हाल ही में निधन हो गया। से ये कुछ क्वेश्चंस थे रिवीजन के लिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो राइट आंसर इसका होगा लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक को 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनको यह पुरस्कार उनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। फिर बात करते हैं लुइस ग्लुक अभी प्रेजेंट टाइम में याले यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है, और इनको ये जो प्राइज़ दिया गया है स्वीडिश अकेडमी के द्वारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इसी के साथ साथ 1993 के अंदर उनको प्लीजर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और 2014 के अंदर नेशनल बुक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब अपने यदि बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस है, जैसे ओल्गा टोकाकुच की बात करते हैं, तो इनको 2018 के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए। पेटर हैंडके की बात करते हैं, तो इनको 2019 के लिए सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं मार्की लुकास रिजनवेल्ड की, इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, इनकी जो बुक है द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। सो ये कुछ बातें थी साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गांवों में डिजिटल सेवा सेतु योजना शुरू की गई है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात के द्वारा। इस स्कीम के तहत पर्टिकुलर जो 35,000 विलेजेस की जो पंचायत है उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर 100 Mbps की स्पीड आएगी। और ये जो एक स्कीम लॉन्च की गई है भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत स्कीम शुरू की गई है। ये जो स्कीम शुरू की गई बेसिकली जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जी है पिनराई विजयन, उनके द्वारा शुरू की गई है। बाकी के जो ऑप्शन है उनकी यदि अपने बात करते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल की अपने बात करते हैं, तो वेस्ट बंगाल ने अभी जो रोड रिपेयर्स होती है उनके लिए एक पथश्री अभियान स्टार्ट किया है। इसी के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर ट्री है वो भी ICMER जो कि दुर्गापुरा के अंदर है, कॉलोनी के अंदर स्थित किया गया है, लगाया गया है। फिर बात करते हैं केरला की, सो केरला को भी हेल्थ गिरी इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसी के तहत इनको एक प्राइज से भी सम्मानित किया गया है, पाटा जो टूरिज्म के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, ह्यूमन बाई नेचर एक कैंपेन केरला गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, उसी के लिए उनको ये प्रोवाइड दिया गया है। फिर बात करते हैं हरियाणा की, सो हरियाणा ने अभी ग्राम दर्शन पोर्टल योजना शुरू की है। यहाँ पर बात की गई है गुजरात की, सो बात करते हैं अपने गुजरात स्टेट के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है गुजरात का पोर्शन शो किया गया है। सो गुजरात के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ जो यहाँ का एक यूनियन टेरिटरी है दमन और दीप और दादर और नागर हवेली, उसके साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर अपने बात करते हैं गुजरात स्टेट के बारे में, सो इसकी जो कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, फॉर्मेशन जो हुआ स्टेट का 1 मई 1960 को हुआ, और जो मुंबई महाराष्ट्र जो स्टेट है उससे ये अलग होकर राज्य बना था। 1 मई को अपने इंटरनेशनल मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाते हैं। यहाँ का जो डांस है गरबा नेशनल पार्क, यहाँ पर गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ वंशदा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं विधानसभा की, 182 सीट्स है, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ गुजरात के बारे में, सो ये कुछ अभियान और योजनाएं स्टार्ट की गई है गुजरात स्टेट से। सो ये मुख्य है जैसे कि अपने बात करते हैं अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना स्टार्ट की गई है, EPI इंडेक्स और DPI इंडेक्स के अंदर गुजरात जो है टॉप पे रहा है, MSME के लिए की सहायता के लिए एक क्लिक पहन वन क्लिक मिशन स्टार्ट किया गया है, सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के अंदर 2019 की रिपोर्ट के अंदर गुजरात फर्स्ट पोजिशन पर रहा था। फिर बात करते हैं इंडिया की जो पहली हनी लैब टेस्टिंग लैब है, शहद परीक्षण प्रयोगशाला है, वो भी यहीं पर सेटअप की गई है। और पूरे इंडिया के अंदर गुजरात स्टेट की पुलिस के द्वारा ही जो ट्रेसर गन है उसका यूज़ किया जाता है। भारत की जो पहली रेल यूनिवर्सिटी है वो भी यहीं पर ओपन हुई है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी यहीं बनाई गई है, विश्व का पहला जो CNG पोर्ट टर्मिनल है वो भी यहीं पर बन गया, और जो फर्स्ट एमिएशन ट्रेडिंग है वो भी यहीं पर ओपन होगी। सो ये कुछ फैक्ट्स थे गुजरात स्टेट के बारे में। फिर अपने बात करते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट जो आपका स्टडी ग्रुप है उनके अंदर आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसके साथ पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है, इससे ही आपको मेरे द्वारा गई हर इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन मिलेगा। फोर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अभी हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा M राजेश्वर राव जी को सिलेक्ट किया गया है। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनके बात करते हैं जैसे कि N विश्वनाथन जी हैं, इनकी जगह पे M राजेश्वर राव जी आए हैं। फिर बात करते हैं शक्तिकांत दास जो कि हमारे RBI के 25th नंबर के गवर्नर हैं। फिर बात करते हैं अपने दिनेश कुमार खारा जी की, सो ये अभी हाल ही में SBI के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है RBI की, सो बात करते हैं सबसे पहले RBI के एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ 1935 को हुआ,
इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं आरबीआई की जो फर्स्ट गवर्नर थे ओसोबोरन स्मिथ जी हैं, और इंडिया के पहले जो गवर्नर है उनका नाम सीडी देशमुख जी है। ये वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे। फिर बात करते हैं अपने आरबीआई के अंदर बेसिकली चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, फोर डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसके अंदर पहले एम राजेश्वर राव जी हैं, बाकी फिर बात करते हैं अनदर जैसे कि एम डी पात्रा हुए, बीपी कानूनगो हुए और के जैन नाम से, ये तीन अन्य डिप्टी गवर्नर यहाँ पे नियुक्त हुए हैं ऑलरेडी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी हाल ही में इंडियन बैंक के द्वारा एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार सलाह कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा शुरू की गई है, और वो जो स्टार्ट किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा उसको लॉन्च किया गया है। सो इस योजना के तहत पर्टिकुलर क्या होगा, एमएसएमई प्रेरणा के तहत जो भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप है उनके स्किल को डेवलपमेंट किया जाएगा, और उनकी जो बिल्डिंग वर्कशॉप कैपेसिटी है उसको भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। मतलब ये है कि उनकी जो कार्य क्षमता है उनको वहाँ पर बढ़ाया जाएगा। इसी के लिए पर्टिकुलर एमएसएमई प्रेरणा एक व्यापार सलाह कार्यक्रम शुरू किया गया है। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह जी की अपने बात करें तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा डिस्क 4 स्टार्ट किया गया है। डिस्क 4 का मीन्स यहाँ पर है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। फिर अपने बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, इनके द्वारा स्वच्छ पुरस्कार 2020 अभी दिए गए हैं। फिर बात करते हैं पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा स्टार्टअप जो है उसके स्टार्टअप फर्स्ट विनर अनाउंस इनके द्वारा किए गए हैं। बाकी यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर एमएसएमई के बारे में, या फिर अपने जो इंडियन बैंक है उसके बारे में पहले अपने बात करते हैं। इंडियन बैंक का जो फाउंडेशन हुआ 1907 के अंदर हुआ था। इसके जो फाउंडर है एम रामास्वामी चित्तायर जी हैं। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ अभी प्रेजेंट टाइम इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो मिस पद्मजा चुंद्रू है। फिर यदि अपने बात करते हैं आईओबी जो बैंक है उसका भी हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर प्रजेंट है। सो ये कुछ बातें थी इस इंडियन बैंक के बारे में। और यदि अपने बात करते हैं एमएसएमई जो मिनिस्टर है उनके बारे में, आप मुझे कमेंट्स के अंदर इसका आंसर बताएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी हाल ही में विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास को किस नाम से जाना जाएगा। सो राइट आंसर इसका जो होगा कस्तूरी कॉटन रखा गया है। अभी जो अपना व्यापार होता है कॉटन के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पर जो इंडिया का कॉटन है उसको कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। फिर यदि अपने बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करें, जैसे कश्मीरी सैफरून है, कश्मीरी केसर है, अभी इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। परम सिद्धि की बात करें तो ये इंडिया का अभी हाल ही में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है, जिसकी स्पीड 210 पेटाफ्लॉप्स रखी गई है। फिर बात करते हैं दाले खुसरानी, जो कि सिक्किम की लाल मिर्च है, जिसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। अभी ये जो लोगो जारी किया गया कस्तूरी कॉटन का, ये हमारी जो कपड़ा उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार जो है, प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा नित्यानंद नायक। इनको ये जो पुरस्कार है बेसिकली इनकी एक कविता है सेता बालकू नितभाप, जो कि 2017 के अंदर प्रकाशित हुई थी, इसी के लिए इनको ये प्राइज़ मिलेगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे रंजीत कुमार नाग की बात करते हैं और श्याम सुंदर पटनायक जी की बात करते हैं, तो इनको अभी हाल ही में इला पंडा संगीत सम्मान से सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा रंजीत कुमार नाग जी को। और जो श्याम सुंदर पटनायक है इनको ILA पांडा चित्रकला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये जो सभी पुरस्कार है बेसिकली ओडिशा जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर लास्ट के अंदर जो ऑप्शन है विकास खन्ना, इनको अभी एशिया द गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कुछ बातें थी यहाँ पर। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं उड़ीसा की। सो उड़ीसा के कुछ फैक्ट्स की अपने बात करते हैं। सो अभी हाल ही में यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ के जो पर्यटक है टूरिस्ट है उनको लुभाने के लिए उड़ीसा रोड एक स्कीम शुरू की गई है। यहाँ पर जो झुग्गी झोंपड़ी होती है, स्लम जो होती है, उनको
अपग्रेड करने के लिए झुग्गी मुक्त एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं उड़ीसा की, सो उड़ीसा जो अमृत रैंक आई थी उसमें टॉप पर रहा है। इसी के साथ साथ बात करें तो सुनामी रेडी इंडिया का पहला जो स्टेट है वो उड़ीसा बना है, और इसके जो दो गांव हैं वेंकट रायपुर और नौलीशाही, ये दो गांव हैं जो कि इसके लिए सबसे पहले प्रिपेयर हुए हैं। और यहाँ का जो सॉन्ग है राज्य है वंदे उत्कल जननी सॉन्ग, जिसको अभी राज्य का दर्जा मिला है संगीत का, उसको लिखा है लक्ष्मीकांत महापात्रा जी के द्वारा। इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं पीले रंग का जो कछुआ है वो भी यहीं पर देखा गया है। फिर बात करते हैं भूमिहीन जो किसान है उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए बलराम योजना स्टार्ट की गई है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको पेटा प्राइज से भी सम्मानित किया गया है, और जो नवीन पटनायक जी है उनके पिता के नाम पर एक बुक लिखी गई है द एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट, उसका उद्घाटन भी नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया था। सो ये कुछ फैक्ट्स थे उड़ीसा स्टेट के बारे में। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस का 88वां संस्करण या 88वां संस्करण कब मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 8 अक्टूबर को ये डे मनाया गया, ये 88वां एडिशन था। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि 2 अक्टूबर की बात करते हैं तो इस दिन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को अपनी बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया था। फिर अपने बात यहाँ पर की गई है एयरफोर्स के बारे में, सो अपने बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स, सबसे पहले जो एयरफोर्स इंडिया के अंदर बनी थी वो 1932 के अंदर बनी थी, जिसको ब्रिटिश अकेडमी जो ब्रिटिश एयरफोर्स है उसकी सहायता के लिए इसको बनाया गया था, और फिर 1914 के अंदर उसको पर्टिकुलर नाम दिया गया और रॉयल इंडियन एयरफोर्स से इसे नाम दिया गया था। फिर 1950 के अंदर इसको इंडियन एयरफोर्स नाम पर्टिकुलर दिया गया था। अब बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के जो एयर फील्ड मार्शल है राकेश कुमार भदौरिया जी है, और जो सबसे पहले एयर फील्ड मार्शल थे ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इंडिया के फर्स्ट एयर फील्ड मार्शल कौन है, सो राइट आंसर होगा अर्जन सिंह। फिर बात करते हैं अभी जो ये एडिशन हुआ था 88th एडिशन इंडियन एयरफोर्स का जो डे सेलिब्रेट किया गया था वो पर्टिकुलर जो हिंडोन एयरफोर्स का बेस है गाजियाबाद के अंदर वहाँ पर मनाया गया था। सो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी हाल ही में कल ही रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, वो कौन थे? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पॉलिटिशियन। फिर इनकी बात करते हैं रामविलास पासवान जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर थे, ये 5 टाइम्स यूनियन मिनिस्टर सेलेक्ट किए गए हैं। इन्होंने 2004 के अंदर लोक जनशक्ति जो पार्टी है उसको बनाया था, और 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी उसी टाइम इन्होंने जेल में भी गए थे, और उसके बाद ये जनशक्ति पार्टी से सिलेक्ट भी हुए थे एज ए लोकसभा के लिए। फिर बात करती हैं राज्यसभा के अंदर ये 2010 से 2014 के अंदर हुए थे, और इनके द्वारा वन नेशन वन जो राशन कार्ड स्कीम है इनके द्वारा ही लॉन्च की गई थी, और इनके द्वारा ये स्कीम बनाई गई है। फिर बात करते हैं ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, उसके तहत अगस्त 2020 तक ऑलमोस्ट 24 स्टेट्स इससे कनेक्ट हो चुके हैं। ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में और रामविलास पासवान जी के बारे में। ये था आज का वीडियो, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड मैक्सिमम जितना शेयर हो सकता है शेयर कीजिएगा। फिर बात करते हैं जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और करंट जीके विद रिवीजन पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।